राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गलती मानते हैं। ये खुलासा हुआ है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1992-1996 में। राष्ट्रपति के इस पुस्तक का विमोचन 28 जनवरी को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। किताब में प्रणब मुखर्जी ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने को पूर्ण विश्वासघात करार देते हुए कहा कि इसने भारत की छवि नष्ट कर दी। राष्ट्रपति ने पुस्तक द टर्बुलेंट ईयर्स 1982-1996 में लिखा है, राम जन्मभूमि मंदिर को एक बार फरवरी 1986 को खोलना शायद एक और गलत निर्णय था। लोगों को लगता है कि इन कदमों से बचा जा सकता था। किताब में मुखर्जी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक पूर्ण विश्वासघाती कृत्य था, एक धार्मिक ढांचे का विध्वंस निरर्थक था और ये पूरी तरह से राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए था। इससे भारत और विदेशों में मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को गहरा आघात लगा। इसने एक सहिष्णु और बहुलतावादी देश के तौर पर भारत की छवि को नष्ट किया। इसी तरह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शाह बानो मामले को याद करते हुए कहा कि राजीव के निर्णय ने एक आधुनिक व्यक्ति के तौर पर उनकी छवि धूमिल की। उन्होंने कहा, शाह बानो और मुस्लिम महिला विधेयक पर राजीव के कदमों की आलोचना हुई और इसमें एक आधुनिक व्यक्ति के तौर पर उनकी छवि धूमिल हुई। गौरतलब है कि 5 राज्यों की मां मुस्लिम महिला शाह बानो को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और उसे अपने पति से गुजारा भत्ते का अधिकार हासिल हुआ। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम महिला विधेयक अधिनियमित किया। इस कानून को सबसे विवादास्पद प्रावधान ये था कि एक मुस्लिम महिला को तलाक के बाद इद्दत की अवधि जो करीब 3 महीने की होती है, इस अवधि तक गुजारा भत्ते का अधिकार देता है। कानून महिला के गुजारा भत्ते की जिम्मेदारी उसके रिश्तेदारों और वक्फ बोर्ड पर डालता है। कानून को एक भेदभावपूर्ण कानून के तौर पर देखा गया क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला को मूलभूत गुजारा भत्ते के अधिकार से वंचित करता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इन 2 मामलों को राजीव गांधी की एक बड़ी गलती के तौर पर लिखा है। मुखर्जी ने कहा, 1989 से 1991 की अवधि एक ऐसा चरण था जिसमें हिंसा और भारतीय समाज में दुखद रूप से फूट का प्रभुत्व रहा। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एवं सीमा पार आतंकवाद शुरू हुआ। राम जन्मभूमि मंदिर बाबरी मस्जिद मुद्दे ने देश को हिलाकर रख दिया। अंततः 21 मई 1991 को अचानक एक आत्मघाती हमलावर ने राजीव के जीवन का दुखद अंत कर दिया।